नमस्कार दोस्तों, कुछ मैसेजेस मिले थे कि कोई अगर फिज़िकली या मेंटली हैंडीकैप्ड है, विकलांग है, तो ऐसे केसेस में GDS के जॉब में क्या कुछ राहत दी जाती है, क्या डाक विभाग ऐसे कैंडिडेट्स के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न रखती है, या फिर कैसे इन बच्चों का सिलेक्शन GDS में होता है। तो इसलिए एक छोटा सा टॉपिक कवर करते हैं और जल्दी से इसको समझ लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये 3 महीने पहले का सर्कुलर है, लेकिन इसके रिगार्डिंग कुछ मैसेजेस मिले थे कि अगर कोई कैंडिडेट फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप्ड है तो उसको क्या कुछ राहत दी जाती है GDS के जॉब में, क्या कुछ रिजर्वेशन मिलता है। तो आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, रिजर्वेशन फॉर हैंडीकैप्ड पर्संस विथ डिसेबिलिटी इन एंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक्स। मतलब जो भी मेंटली या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको GDS के जॉब में कितना परसेंट रिजर्वेशन मिलता है, तो यही हम इसमें देखेंगे। देखिए सेकेंड पॉइंट में क्या है, वेरियस रेफरेंसेज हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम इंक्लूजन ऑफ सब कैटेगरी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। अब देखिए, इसमें एक वर्ड है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को हिंदी में बौद्धिक विकलांगता भी बोलते हैं, और इस कैटेगरी के अंदर ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं जो मानसिक रूप से या तो कमज़ोर है, जिन्हें कुछ भी समझने में बहुत टाइम लगता है, या फिर उन्हें बार बार समझाने पर भी कुछ समझ में ही नहीं आता, और जिनके पास स्किल्स की कमी होती है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंडर लिया जाएगा। अब यहाँ देखिए, नंबर फर्स्ट में BPM, ABPM और डाक सेवक्स, इन तीनों कैटेगरीज़ के पोस्ट के लिए जो अप्लाई करेंगे। और आपको मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में, अगर कुछ पिछले कुछ वीडियोज़ आपने देखे हैं तो आपको पता होगा कि GDS में टोटल 3 कैटेगरीज़ होते हैं, BPM, ABPM और डाक सेवक्स। तो ए में देखिए, ए में क्या है, अगर लो विजन है, मतलब बहुत कम अगर किसी को दिखता है, आँखें उतनी अच्छी नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को 1% रिजर्वेशन मिलेगा। ये हो गया लो विजन के लिए। लेकिन ध्यान रखना है इसमें कि तीनों कैटेगरीज़ में से किसी एक कैटेगरीज़ में ही ये 1% रिजर्वेशन मिलता है, मतलब या तो BPM के लिए मिलेगा, या फिर ABPM के लिए, या फिर डाक सेवक्स के लिए ही मिलेगा। किसी भी एक कैटेगरी के लिए ये मिलता है 1% रिजर्वेशन। अब सेकंड में देखते हैं, नीचे देखिए, इसमें है डेफ या फिर HH, मतलब यहाँ पर हार्ड ऑफ हियरिंग है, अगर कोई बहुत कम सुनता है या फिर पूरा बहरा है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को भी 1% ही रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये हमने देखा ऊपर लो विजन और डेफ के लिए। अब देखते हैं सी नंबर में देखिए, अगर एक हाथ या एक ही पैर है, या फिर कैंडिडेट लेप्रोसी से रिकवर हुआ है, लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग होता है, अगर कुष्ठ रोग उसको हुआ था और वो तुरंत अभी रिकवर हुआ है, तो इसको भी इसमें लिया जाएगा नंबर सी में। या फिर किसी की हाइट बहुत छोटी है, या फिर किसी पर एसिड अटैक हुआ है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को भी 1% ही रिजर्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पर ज़्यादातर 1% ही रिजर्वेशन है। और लास्ट में हम देख लेते हैं डी में, इसमें क्या है, लास्ट में दिया गया है कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। इसका मतलब है कुछ समझने की कैपेसिटी किसी के अंदर नहीं है, वो बातों को समझ नहीं पाता है बार बार समझाने पर भी, तो ऐसे कैंडिडेट्स को भी 1% ही रिजर्वेशन मिलता है। तो इसमें देखिए, हमने ABCD टोटल कैटेगरीज देखा, इसमें 1% ही रिजर्वेशन आपको किसी भी एक कैटेगरीज में मिल रहा है, चाहे आप BPM के लिए अप्लाई करें, ABPM के लिए करें, या फिर डाक सेवक्स के लिए करें। किसी भी कैटेगरीज के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं और आप इन चारों कैटेगरीज में से भी एक कैटेगरीज के अंदर आते हैं, अगर आप हैंडीकैप हैं, तो इसमें सभी में 1% ही रिजर्वेशन मिलेगा। तो इसमें यही बताना था, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहें।